subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय कंस्ट्रक्शन लाइन चैनल। और दोस्तों सुनाओ क्या हाल है। दोस्तों नाराज़ होगा, चक्कर का ही है। अरे यारो, वीडियो ना लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अरे चैनल पर नया आयड़ा छो तो सब्सक्राइब कर दियो, पता नाराज़ मत हो यारो। और देखो यही वीडियो नया नया आता रहा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं ये सिंपल से किचन की ये पर्दे की डिजाइन आपको कैसे हमने काटा और कैसे इसको चिपकाते हैं इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे ऐसे कमेंट आते रहते हैं। तो चलिए, मैं ये काट ही रहा था तो थोड़ा बता देता हूँ कैसे क्या इसको हम काट रहे हैं, चिपका रहे हैं। तो ये पर्दे की जो साइज है, ये जो जिस तरफ पे 2 फीट का जो सीट आएगा किचन का, उसका ये पर्दा है 26 इंची का, और 26 बाई ये 48 की हाइट का ये पर्दा है। जो आप देखते होंगे कई किचनों में ऊपर ऐसे गोल टाइप बनाते हैं, वो 54 इंची के हाइट के पर्दे के पत्थर में वो डिजाइन बनती है, 48 के हाइट में ये डिजाइन नहीं बनती है। तो इसमें ये डिजाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नीचे से आप 48 की जो पूरी हाइट है उसमें से, जैसे अपना किचन बनता है 32 इंच की हाइट में, तो नीचे से 32 इंच पे ये जैसे ये निशान है, ये निशान यहाँ पे निशान मार लीजिए, और उससे 1 से 1.5 इंच ऊपर ये 3 इंची की खटकी ऐसे मार के, और फिर एक काम करना आप यहाँ से ये 32 इंची पे निशान लगाने के बाद में ये 33 इंची का जो निशान आप मारेंगे यहाँ से, तो यहाँ से ये जो पर्दा राइट एंगल में था ऐसा, तो यहाँ से लगभग ये 15 इंची का आएगा, तो यहाँ से फिर उस साइड भी 14.5 होना चाहिए, तो वहाँ पे वो मार्किंग कर लीजिए आप। मार्किंग करने के बाद में उधर से 3 इंच ले लीजिए, या आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया हुआ है, और इस साइड 3 इंच ले लीजिए, और सीधा स्ट्रेट ये लाइन खींच दीजिए और इसको काट दीजिए। ये सीधा सैंपल है। अभी इसके ऑपोजिट जो पत्थर चिपकेगा, वो पत्थर का माप रहेगा 16 बाई, इसकी जितनी चौड़ाई है 26 इंच बाई 16 इंची का ये पत्थर रहेगा। यानी कहने का मतलब, यहाँ से ये पत्थर सीधा और वहाँ से लेके वहाँ तक, ऐसा सीधा ये पत्थर 16 बाई 26 इंची का पत्थर रहेगा। अब उसको, उस पत्थर को उसके ऑपोजिट इधर से मिला दीजिए और उधर से लेवल कर दीजिए, और बीच नीचे से पेंसिल के निशान से मार्किंग करके और उस पत्थर को काट दीजिए। जैसा कि ये वाला ये पत्थर है, इसके ऑपोजिट का ये पत्थर है। अब इस पत्थर को काटने के बाद में डायरेक्ट अपने को एरोडाइट बना के, और जो भी आप पट्टी यूज करना चाहते हैं, डिजाइन पट्टी, प्लेन पट्टी, या फिर ऐसे वाले कातरा पट्टी जिसको बोलते हैं शक्करपारा डिजाइन, इसका एक वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा दोस्तों, कि ये कातरा पट्टी डिजाइन कैसे बनती है और इसमें क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसमें इसमें बनाते टाइम इसका ध्यान रखना चाहिए और क्या इसमें ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें इसको मैं आपको बताऊंगा। अभी ये बात तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि ये पर्दा कैसे काटा। अभी ये पर्दे हम बिल्डरशिप के काम में ये यूज करते हैं, क्योंकि ये सीधे सैंपल रहते हैं, तो आपको मालूम है बिल्डर लाइन में इतने जो रेट है वो मिलते नहीं हैं, तो उसके हिसाब से ये हम फटाफट काट के और चिपका के मोकला कर देते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमको डिजाइन आता नहीं है या फिर हम बनाते नहीं हैं। ज़रूर जैसे आगे मौका मिलेगा
अच्छी डिज़ाइन बनाने का तो ज़रूर बनाएंगे। हालांकि इस फील्ड में मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे हज़ारों किचन बनाए हैं, तो बहुत सारी डिजाइनिंग भी बनाई है बड़ी बड़ी सीटियों के अंदर। लेकिन एक्चुअली क्या है, अभी उन कामों पे हम बन जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि सब आजकल रेजिडेंट्स हो गया है, सब घरों में लोग रहने लग गए हैं, तो वो बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, पार्टी को लेके जाना एंड ये सब वीडियो बनाना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो। हाँ, चालू साइड रही तो अलग बात होती है, तो इसके पर्पज़ से मैं नहीं बनाता हूँ। अभी इसमें आपको मैं अभी दिखाता हूँ कैसे हम इसको चिपकाएंगे। तो ये मैं आप ही लोगों की डिमांड पे भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट आपके पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, तो बहुत सारे कमेंट ऐसे रहते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इस प्रकार दोस्तों अपने को ये डिज़ाइन पट्टी पहले कच्ची सरा के आप इस प्रकार पहले सेट कर लीजिए, और उसके बाद में एरोडाइट बना के और इन पट्टियों को ऐसा साइड में करके और जैसा आपने रखा है उस हिसाब से इनको साइड में करके और यहाँ एरोडाइट लगा के दार पे और फिर इन पट्टियों को चिपका दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये पट्टी एरोडाइट, ये देखो एरोडाइट लगा के पतरे से और ये पट्टी मैंने चिपका दी है। एक साथ में फेविक्विक ज़रूर रखिएगा, जैसे ही ये पट्टी आप चिपकाते हैं पीछे से ऐसे इसको दो टपके फेविक्विक के डाल दीजिए, ताकि ये पट्टी इधर उधर खिसकेगी नहीं, और उसके बाद में जो ऊपर का पत्थर चिपकाएंगे तो उससे भी ये पट्टी इधर उधर हिलेंगी नहीं। तो ये एक्चुअली हम फेविक्विक यूज करते हैं। चलिए अभी ऊपर का पत्थर इसको चिपकाते हैं।